वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज हम फार्म पे ही हैं और ये देख सकते हैं हमने सुपर नेपियर जो पिछला बार हमने लगाया था पिछला बार जो हम नेपियर लगाए थे आपको याद होगा बिल्कुल छोटा सा एक ऐसे ही काट करके हम डंठल लगाए थे बड़ी वाली नेपियर से वो देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है तो आप देख सकते हैं एक से डेढ़ महीना में इसका प्रोडक्शन कितना अच्छा हो जाता है ये गायों के लिए अमृत है इसके बिना डेरी फार्मिंग या गाय पालना बिहार के अंदर संभव नहीं है अगर फार्मिंग करना है अगर आपको फार्मिंग में आगे बढ़ना है तो आपको सुपर नेपियर का इस्तेमाल करना होगा फार्मिंग में क्योंकि खेत तो अच्छे खासे होते हैं इसके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं कभी पीला नहीं पड़ता है बिल्कुल हरा के हरा रहता है कभी भी इसके पत्ते जो है डैमेज नहीं करते हैं तो ये हम एक डेढ़ महीना पहले लगाए थे लगाते समय भी वीडियो हमने बनाया था और आपको दिखाया था कि ये है आ, जो नई नेपियर जो हम कैसे जर्मनेट करते हैं तो एक डेढ़ महीना में ही इतने अच्छा खासा इसका पौधा हो गया है ये देख सकते हैं और ये ये, ये जो नेपियर है पहला कार्टन है एक बार कट चुका है एक बार कटने के बाद हमने दिखाया था कि बिना कटे हुए एक बार में 10 से 12, 15 डंठल निकलता है और कटने के बाद कितना निकलता है मेरा जो अनुमान है जो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास तो दूसरी कार्टन में पचास पेंट निकला है आप देख रहे थे नेपियर हमारा पहला कार्टन ये पूरी तरह से कट चुका था और सबसे पहला जो जमनेशन हुई थी उसमें जो नेपियर है ये करीब करीब लग रहा है ये पहला बिना कटा हुआ है ये ये पहला जमनेशन में है करीब करीब देख सकते हैं बारह फीट से कम नहीं होगा बारह फीट आराम से होगा तो बारह फीट हाइट इसकी हुई है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है गाय काफ़ी दूध दे रही है इसको खा करके और ये पहला है अभी कटेगा इसमें से तो दूसरा जेमनेसन आएगा इसमें दूसरा जेमनेसन की और भी कुछ हैं जो एक बार कट चुका है देख सकते हैं इधर फैला हुआ है तो इसके अंदर 18 परसेंट अठारह परसेंट प्रोटीन होता है सोलह से अठारह परसेंट ग्लूकोज और वाटर लेवल इसका जो है 32 तीस से 32 परसेंट होता है और इसमें फाइबर होता है मतलब अगर हरा चारा हंड्रेड परसेंट इसको खिलाएंगे तो गोबर पतला गाय नहीं करेगा और गोबर पतला नहीं करेगा मतलब हंड्रेड परसेंट सुपाच्य होता है ये मतलब पचने में कोई परेशानी नहीं है गायों को और इसके बिना डेयरी फार्म अधूरा है अगर इसका इस्तेमाल हम लोग अच्छे से करेंगे तो बिहार में दूध का बाढ़ आ जाएगा तो हर युवा जो भारतवासी हैं बिहारवासी हैं उनसे निवेदन करते हैं कि सुपर नेपियर फोर जी बुलेट घास अवश्य लगाएं अपने फार्म पे और जो ये फार्म पर आप लगाएंगे तो आपको दूध का कभी कमी नहीं होगा आपका गाय का सेहत अच्छा रहेगा जो बच्चे हैं जो गाय के बच्चे उनका भविष्य बेहतर रहेगा क्योंकि उनका पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है मिनरल विटामिन खनिज मिश्रण और इसको उपजाने में कम से कम खाद की आवश्यकता पड़ती है देखिए गोबर थोड़ा डाल दिया जाता है और ये गोबर कहीं कहीं डाल दिया गया उसी से उपज जाता है तो दूध का जो नेचुरल पावर जो है वो भी अच्छा होता है तो इस तरह से आप फार्मिंग के अंदर नेपियर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक नया बदलता भारत का तस्वीर बदल सकते हैं डेरी फार्मिंग में और आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए इस काम को करने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए और ये नेपियर देखिए थोड़ा सा हमने और बढ़ाया है जो बता रहे थे तो इधर भी लगाए हैं और दो गायों के लिए इतना हमारा नेपियर है इस साइड आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी नेपियर है बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं पहले काटन में ही चल रहे हैं काफ़ी लोगों को हमने अपना दिया है डिस्ट्रीब्यूट भी किया है काफ़ी लोग यहाँ से ले गए हैं हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है पैसे कौड़ी की जिनको मन हो गया आए